हेलो कैंडिडेट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज एक बार फिर से आज की जो जॉब आई है वो आई है फोकस एनर्जी की तरफ से। तो यहाँ फोकस एनर्जी लिमिटेड ने क्या निकाला है करियर रिक्रूटमेंट में, तो देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर फोकस एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, जो इसके प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ऑयल एंड गैस में काम करती है। कंपनी एक इंडिपेंडेंट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट कंपनी है, जो कि इंडिया में दो सेक्टर्स में अलग अलग ब्लॉक्स में काम करती है। बात करें तो यहाँ प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ जो उसका कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है वो राजस्थान जैसलमेर में है, वहीं जो कंपनी का दूसरा प्रोजेक्ट है वो रहेगा कोलकाता में। वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ जैसलमेर के लिए कंपनी ने 8 अलग अलग पोजीशंस के लिए मल्टीपल वैकेंसीज निकाली हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एडमिन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मड केमिस्ट, केमिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन और जियोलॉजिस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हैं। तो हम आज बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे शॉर्ट डिटेल में देखें तो यहाँ पोजीशन जो रहेगी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रहेगी। वहीं आपको मिलेगी कंपनी से सैलरी प्लस फूड एंड अकोमोडेशन। इसके साथ ही जो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वो फ्रेशर होना चाहिए, और जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो रहेगी जैसलमेर, राजस्थान। आपको वर्क रोटेशन रहेगा 5+1 का, यानी कि आपको 5 महीने काम करना होगा। इसके साथ ही आपको 1 महीने का पेड ऑफ मिल जाएगा। ड्यूटी रहेगी आपकी 12 आवर्स की। यहाँ 5+1 है, तो हर 5+1 के बाद आपको 5+1 चलेगा, यानी कि आप 1 साल में 10 महीने काम करके 2 महीने की पेड ऑफ कर सकते हैं। डिटेल में बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने मांगा है एक कैंडिडेट जिसको नॉलेज हो इलेक्ट्रिकल की, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपने अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। ज्वाइनिंग आपकी यहाँ पे इमीडिएटली हो जाएगी। इसके साथ ही ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी कंपनी क्लेम करती है फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एजुकेशन में भी बीटेक और एमटेक मांगा है इलेक्ट्रिकल में। इसके साथ ही अगर आप डॉक्टरेट कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कंपनी ने अपनी प्रोफाइल के बारे में बताया है कि कंपनी जो है एक इंडिपेंडेंट कंपनी है इंडस बेसिन में ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन फील्ड में। इसके साथ ही डिपार्टमेंट आपका ट्रेनी और फ्रेशर का रहेगा, एक्सपीरियंस फ्रेशर, जैसलमेर लोकेशन रहेगी, और वैकेंसी है यहाँ पर टोटल 50। इसके साथ ही जितने भी कैंडिडेट फ्रेशर हैं वो यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ इनके द्वारा पूछे गए 10 क्वेश्चंस के आंसर फिलअप करने होंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। जिसमें से कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें तो जैसे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स कॉल्ड, यानी कि आपको अपनी ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो 10 क्वेश्चन फिलअप करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन कर देनी है सबमिट। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो वो रहेगी आपकी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। तो यहाँ भी कंपनी क्लेम करती है कि एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल इंजीनियर कैंडिडेट्स के लिए जैसलमेर साइट राजस्थान में, जो कि अप्लाई करते हैं। तो कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, यानी कि आपको उसमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही डिग्री जो है आपकी बीटेक होनी चाहिए, एमटेक होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप कर पाएंगे अप्लाई। वैकेंसी वही आपकी टोटल रहेंगी 50। इसके साथ ही अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप इनको मेल भी कर सकते हैं recruitment@focusoil.com पे। इसके साथ आप यहाँ भी अप्लाई करते हैं तो सेम आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ इनके 10 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की। यहाँ भी कंपनी कहती है कि एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए। कंपनी 2000 से इस फील्ड में काम कर रही है, तो कंपनी को अराउंड 22 ईयर्स हो चुके हैं, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो जितने कैंडिडेट्स ऑयल और गैस सेक्टर में अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं, अपना कैरियर डेवलप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कैंडिडेट्स को होनी चाहिए बीटेक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही जितने कैंडिडेट्स हैं वो तुरंत ज्वाइन करें अप्लाई करके। क्वालिफिकेशन में आपका वही बीटेक और एमटेक इन्होंने मांगा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही जो वैकेंसी है वो भी आपके यहाँ पे 50 रहेंगी, तो यहाँ 50 कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी एक नई जॉब के साथ।